36 छात्रों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। कैट फाउंडेशन के छात्रों की इस कामयाबी पर फाउंडेशन के निदेशक ने उनका सम्मान किया। गेट फाउंडेशन के निदेशक ने बताया कि इस बार गेट 2013 की परीक्षा में देशभर से 12 लाख विद्यार्थी बैठे थे, उसमें से गेट फाउंडेशन के छात्र अमित कुमार शर्मा ने 99वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा प्रशांत, लोकेश और योगेश समेत 32 छात्रों ने राष्ट्रीय लेवल पर अच्छी रैंक हासिल की है। हम आपको बता दें कि आईआईटी मुंबई द्वारा आयोजित गेट परीक्षा आईआईटी, एनआईटी और एमटेक करने के लिए चयन परीक्षा होती है। मैं गेट फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। हर साल की तरह इस साल भी 12 लाख विद्यार्थियों ने गेट की परीक्षा के लिए अपीयर किया था। उसमें से हमारी संस्था से कुल 70 विद्यार्थियों ने गेट की प्रिपरेशन की थी। वहां से हमारे विद्यार्थी अमित कुमार शर्मा ने पूरे देश भर में से 99वीं रैंक प्राप्त कर ना ही उनके परिवार का, साथ ही साथ हमारी संस्था का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में प्रदान किया है। सो मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी अवसर पर हम लोगों ने एक गेट सक्सेस प्रोग्राम कंडक्ट किया था, जिसमें हमारे सारे विद्यार्थियों को हम लोगों ने पारितोषित देकर हमारे यहाँ कर विशेष अतिथि अमित कुमार जैन ने उन सभी विद्यार्थियों को पारितोषित देकर और उन्हें सम्मानित एवं हर साल आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैंने इस बार गेट एग्जाम दिया था और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 99 आई है। उसके लिए मैं पूरी तरह के गेट फाउंडेशन का आभारी रहूंगा, क्योंकि मैं तो वो छोटे से गांव से हूं, तो मेरे को कभी इतना अच्छा डायरेक्शन मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे श्री अमित कुमार जैन जो यहाँ के जो आज के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया और उन्हीं की बदौलत ये रैंक आई है। मेरा 10% इसमें योगदान होगा, 90% उन्होंने हमारा साथ दिया। कांग्रेस के अग्रिम